हैडिंग है हमारा आईस एक नया चैप्टर नया टॉपिक हर चीज नहीं टू और मोर देन टू कंपाउंड लिखे मेरे साथ टू और मोर देन टू कंपाउंड मोर देन टू कंपाउंड हैविंग Same molecular formula, same molecular formula, but different structure formula. और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहां तक समझ में आ रहा हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड फिनोमिना कॉल्ड आइसोमेरिस तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला चीज आई है कि भैया आइसोमेरस आइसोमर्स वो होते हैं जिनका अंदर मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मोलिकुलर फार्मूला सेम है फार्मूला देख के दो तरह से हमें कैसे पता चलेगा हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है फिर उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा फिर सेकंड पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला फिर उसके बाद हम पता लगाएंगे कौन से टाइप्स की आइसोमेरिज में टाइप्स ऑफ आइसोमर्स ये मेरा एक बेसिक सा कांसेप्ट है कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले चेक करो फिर स्ट्रक्चर फार्मूला और फिर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिस की कौन सी है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे चेक करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले ए पॉइंट चेक करेंगे भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला है या नहीं है सेम इसके लिए ए पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम कार्बन एटम फिर उसके बाद बी नंबर पे नंबर ऑफ अदर एटम एक्सेप्ट एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन और थर्ड नंबर पे सी पॉइंट पे हम देखेंगे O यू सेम है या नहीं है यानी डिग्री ऑफ अनसेच्यूरेशन शुड बी सेम यदि ये तीनों चीजें सेम है तो इसका मतलब उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो आप मुझे बताएं, ये मेरे पास एक कंपाउंड है क्या है इसकी D O U? बेंजीन की एक दो तीन चार पांच और दो साइकिल सात तो डीओयू कितनी है इसकी सात और अगर इसमें सीएचओ एक कोर है तो आठ हो गई और सी ओ एच है तो भी आठ है क्योंकि सीएचओ ग्रुप की डीओयू कितनी होती है एक सी डबल की कितनी होती है एक ओ एच की जीरो एन एच टू की कितनी होती है जीरो, CO NH2 की कितनी होती है? एक, COCL की कितनी होती है? एक, तो किसी की तो DOU याद है आपके, चलो, अब बताइए, इसमें कार्बन कितने? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? पांच, छः तो यही हो गए, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? एक, बाकी मैं नहीं कह रहा ठीक है ना तो ये मेरे पास एक कंपाउंड है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह काउंट करो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह क्या डी ओ यू है थी उसकी आठ आठ डी ओ यू चाहिए आपको इसमें आपने लाना शुरू कर दिया कितनी हुई दो तीन चार पाँच छ सात एक दो तीन चार पाँच छ सात और अब आपने लिया है सी एच ओ आठ क्या ये एक दूसरे के आइसोमर होंगे नहीं क्यों नहीं होंगे क्योंकि डी ओ यू सेम है लेकिन कार्बन सेम नहीं है अब होंगे क्योंकि कार्बन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह कार्बन सेम है हाँ चीज सेम है दूसरा ऑक्सीजन सेम सेम है हाँ। और -यू सेम है और हाँ। अगर ये तीनों चीज है तो इसका मतलब ये एक दूसरे के आइसोमर होंगे कौन से होंगे वो बात की बात है लेकिन हाँ हमारी ये चीज है मॉलिकुलर फॉर्मला सेम है और स्ट्रक्चर फॉर्मला हम चेक करेंगे वो डिफरेंट होना चाहिए और दिख ही रहा है डिफरेंट है सही है अब कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म है उसके लिए हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन अगर मैं यहाँ पर यह पाइप बॉन्ड हटा देता हूँ और पूछ लेता हूँ बताओ ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं एम इज शो ही नहीं कर रहे तो आइसोमर कौन से होंगे ठीक है ना तो ये आप ऐसे चेक करते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो आपका फ्लो चार्ट ऐसा रहेगा कोई डाउट नहीं है श्योर